अब से ठीक 7 घंटे के बाद ये विनाशक पृथ्वी से टकराकर उसका नामोनिशान मिटा देगा। 7वें घंटे के अंदर विनाशक पृथ्वी से टकराकर पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर देगा। शक्तिमान, मुझे मालूम है तुम जहां कहीं भी हो मेरी आवाज जरूर सुन रहे होगे। अब देख भी लो। ये रही तुम्हारी पृथ्वी। ये रहा मेरा कॉमेट विनाशक। शक्तिमान, विनाशक से पृथ्वी को मेरे सिवाय कोई नहीं बचा सकता, तुम भी नहीं। अगर पृथ्वी को बचाना चाहते हो तो शक्तिपुंज जल्द से जल्द मुझे सौंप दो। अब इसे चकमा देकर मुझे यहां से जल्द किसी भी हालत में निकल जाना चाहिए। शक्तिमान, तुम्हें तुम्हारे शैतानी इरादों में कभी कामयाब नहीं होने देगा। वो विनाशी को खत्म करेगा और हमें तुम्हारे चंगुल से बचा कर ले जाएगा। लड़के, विनाशक ऐसी सीमा में प्रवेश कर चुका है कि अब तो मैं भी उसे नहीं रोक सकता। शक्तिमान उसे कैसे रोक पाएगा? पर अभी तो आपने कहा था बंधु कि शक्तिमान अगर आपको शक्ति पुंज दे देगा तो आप विनाशक का रास्ता बदल देंगे। ये तो शक्तिपुंज को हासिल करने की मेरी एक चाल है। What is this? ये पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओंकारनाथ शास्त्री की चाल है। What? तुम ही वो गंगाधर हो जिसकी बेवकूफी से अजीत चावला पकड़ा गया? तू करो इसे, जाओ मेरी नजरों से, तू करो, देखो इसे। मत कीजिए प्लीज, गंगाधर को छोड़ दीजिए। अरे तुम सब पहन तो, अरे तुम क्या कर रहे हो? अरे अरे क्या कर रहे हो? अंधेरा कायम रहे महामहिम। मुझे शक्ति पुंज चाहिए हर हाल में, और उसके साथ ही चाहिए शक्तिमान की मौत। महामहिम, ये काम आपका ये गुलाम चंद घंटों में ही करके दिखा देगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। तुम शक्तिमान से पृथ्वी के बदले शक्ति पुंज का सौदा करो। पृथ्वी बचाने के लिए उसे शक्ति पुंज मेरे हवाले करना ही पड़ेगा। शक्ति पुंज हासिल करने के बाद तुम धूमकेतु विनाशक से पृथ्वी का खात्मा कर दो। ऐसा ही हो रहा है महामहिम। बचाओ, बचाओ भाई। ये तो शक्तिमान है, यहां कैसे आए? शक्तिपुंज लाए कि नहीं? शक्तिमान, शक्तिमान गंगाधर को बचाओ। उसे इन्होंने यहां से बाहर फेंक दिया है। उसे बचाओ गंगाधर को। मैंने उसे बचा लिया है। सच? मैं उसे पृथ्वी पर छोड़कर आया हूं। थैंक यू। आओ यहां। ये यान का कॉकपिट है, मैं यान को पृथ्वी की तरफ मोड़ता हूं। अब ये जैसे जैसे यान पृथ्वी की तरफ बढ़ता जाएगा, यान में बैठे लोगों को होश आता जाएगा।
इन लोगों को अभी होश में लाना उचित नहीं था, वरना ये लोग पागल हो जाते। सत्य का रक्षक हूं और सत्य की हमेशा जीत होती है। और सत्य पे अटूट विश्वास ही तुम्हें शक्तिमान बनाता है ना? और उसी शक्तिमान के बारे में ये छपवा कर उसे बदनाम करती हो कि वो तुमसे प्यार करता है, जबकि आज मैं तुमसे पहली बार मिला। I'm sorry. Actually, मैंने ये तय कर लिया था कि मुझे तुमसे मिलना है, बस। फिर मेरे मन में ख्याल आया कि अगर तुम्हारे बारे में झूठी खबर छपवा दूंगी तो तुम उसे जरूर मिलने आओगे, जैसे गीता से मिलने जाया करते थे, और फिर मैं भी फेमस हो जाऊंगी। अब थोड़ी ही देर में हमारा यान पृथ्वी पर लैंड कर जाएगा। सच? आओ निशा। शक्तिमान, तुम? डॉक्टर देसाई, शक्तिमान हमें जयकॉल के शिकंजे से बचाकर पृथ्वी पर ले आए हैं। अच्छा हुआ शक्तिमान तुम आ गए। एक धूमकेतु विनाशक पृथ्वी की ओर आ रहा है, वो जीरो बैरियर पार कर चुका है। हमारे साइंटिस्टों के मिसाइल उसका रास्ता नहीं रोक पाएंगे और ना ही पृथ्वी को उससे बचा पाएंगे। तुम ही कुछ करो शक्तिमान, कुछ करो। आप घबराइए मत, मैं उस विनाशक का मुकाबला कर लूंगा। शक्तिमान, तुमने मेरे यान से चंद पृथ्वीवासियों को तो बचा लिया, मगर मैं अब पूरी पृथ्वी को नहीं बचने दूंगा। भले ही मुझे शक्ति पुंज न मिले, मैं तुम्हारा सब कुछ खत्म कर दूंगा। अच्छा डॉक्टर देसाई, चलता हूं, और भी बहुत सारे काम निपटाने हैं। शक्तिमान, तुमने एक बार फिर राष्ट्र के लिए बहुत बड़ा काम किया है, थैंक यू। इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा कर्तव्य था। निशा, फिर मिलेंगे और फिर मैं देखूंगा कि तुम्हें क्या परिवर्तन आया है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा एक्स्ट्रा चश्मा प्लीज। डॉक्टर ठक्कर, डॉक्टर शर्मा, मुझे टीपीए फौरन ठीक करना है, हमारी पृथ्वी का अस्तित्व खतरे में है। आप लोग अपनी अपनी पोजीशन संभालिए प्लीज। ओके सर। सर आपका चश्मा। थैंक यू। रिसर्च सेंटर से प्राप्त सूचना के अनुसार साइंटिस्ट जयकाल डॉक्टर जयंत देसाई सहित सैकड़ों लोगों का अपहरण करके उन्हें अंतरिक्ष में ले जा रहा था। शक्तिमान उन्हें जयकाल के चंगुल से छुड़ाकर सही सलामत पृथ्वी पर ले आया है। शक्तिमान, इस विनाशक को कोई नहीं रोक सकता है। अब भी तुम्हारे पास 2 घंटे हैं। द ग्रेट शैतान साइंटिस्ट को वो शक्तिपुंज सौंप दो। शक्तिमान, सौंप दो। विनाशक को रोकने के लिए मुझे पृथ्वी पर सबसे ठोस पर्वत को ढूंढना होगा।
शक्तिमान ने तो इसका सही तोड़ ढूंढ भी लिया था, लेकिन पहाड़ भी कॉमेट का कुछ नहीं बिगाड़ सका। शक्तिमान, अब तुम्हारी सिर्फ हार ही हार है। इतना शक्तिशाली वार इस धूमकेतु को नष्ट करना तो दूर, इसका रास्ता भी नहीं बदल पाया। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती सर, ये कॉमेट तो लोबाना ग्रह की तरफ बढ़ रहा था, ये पृथ्वी की तरफ कैसे मुड़ गया? इसे जैकॉल ने पृथ्वी की तरफ मोड़ा है। अब तो पृथ्वी का अंत निश्चित है। डॉक्टर ठक्कर, साइंटिस्ट होकर आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मुझे इस धूमकेतु के विनाश का मार्ग महागुरु से पूछना होगा। शक्तिमान, अब तुम डॉक्टर जैकॉल से जीत नहीं सकते, अब तुम इस पृथ्वी का अंत होता हुआ देखोगे। आयुष्मान भाव। गुरुदेव, सत्य और मानवता के दुश्मनों ने पृथ्वी के अस्तित्व को खतरे में डाल दिया है। हमें क्या थे, एक दुष्टात्मा ने विनाशक धूम केतु को उसकी निर्धारित दिशा से हटाकर पृथ्वी की ओर प्रेषित कर दिया है। गुरुदेव, यदि समय रहते विनाशक को नहीं रोका गया तो पूरी पृथ्वी खत्म हो जाएगी। मैं विनाशक से पृथ्वी को बचाने का मार्ग ढूंढ रहा हूं, इसीलिए आपको याद किया है मैंने। प्रकृति ने विनाशक का निर्माण लोबाना ग्रह को विनष्ट करने के लिए किया था। जब ये दोनों ग्रह आपस में टकराएंगे तभी इसके विनाश की संभावना है, अन्यथा नहीं। वंश, लोबाना ग्रह? गुरुदेव, ये ग्रह तो हमारे सौर मंडल के बाहर के ब्राइटा सौर मंडल का एक ग्रह है ना? हाँ वंश, तुम्हें उसी लोबाना ग्रह को विनाशक के रास्ते में लाना होगा। तो मुझे लोबाना ग्रह जाने की अनुमति दीजिए गुरुदेव। विजयी भव। ये शक्तिमान कहाँ चला गया? हमारा टीपीएफ उसे ढूंढ रहा है, लगता है वो सौर मंडल के बाहर चला गया। ये शक्तिमान स्पेस में कहाँ जा रहा है? इसे तो विनाशक से लड़ते रहना चाहिए। लगता है शक्तिमान डरकर भाग रहा है। नहीं, शक्तिमान लोबाना ग्रह की ओर जा रहा है। मुझे मालूम है, रास्ता लोबाना ग्रह को जाता है। एक और धूमकेतु। अच्छा, तो जयकाल नहीं चाहता कि मैं लोबाना ग्रह पहुंचूं, परंतु सिर्फ यही वो रास्ता है जिससे मैं लोबाना ग्रह पहुंच सकता हूं। एक बार भी मैं अगर इस रास्ते से हट गया तो कभी भी लोबाना ग्रह नहीं पहुंच पाऊंगा। जयकाल, तुम्हारा सपना कभी पूरा नहीं होगा। सर, शक्तिमान ने शक्तिशाली कॉमेट को सिर्फ अपने घूंसे से चूर कर दिया। सर, ये कॉमेट तो पृथ्वी के सबसे बड़े शहर को तबाह करने की क्षमता रखता था। तो शटा, शटा! दूसरे कॉमेट से हमला करो। ये क्या सर, शक्तिमान की ओर तो दूसरा कॉमेट बढ़ रहा है। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि जयकॉल ही शक्तिमान पर कॉमेट से हमला करवा रहा हो? हो सकता है। जो शैतान साइंटिस्ट विनाशक को कंट्रोल में कर सकता है, वो इस कॉमेट को भी कंट्रोल कर सकता है। ओह नो, ये कॉमेट तो शक्तिमान की तरफ ऐसे बढ़ रहा है जैसे उसकी जान ले लेगा। जयकॉल, तुम मुझे नहीं रोक पाओगे। सर, ये तो हम सपने में भी नहीं सोच सकते थे। देखा सर, मैं कहती थी ना, कोई भी कॉमेट शक्तिमान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसने बुद्धि का इस्तेमाल किया है। वेल डन शक्तिमान। वेल डन। वेल डन। सर, अब हमारे पास सिर्फ आखिरी कॉमेट बचा है। सर, पर ये भेजे गए चारों कॉमेट से ज्यादा शक्तिशाली और खतरनाक है। सर, इस कॉमेट की खासियत यह है कि इसमें खतरनाक गैस है,
ये ज्वालामुखी के लावे से भी ज्यादा गर्म है। ये पृथ्वी के किसी भी शहर के ऊपर से सिर्फ गुजर जाए तो पूरा शहर जलकर भस्म हो जाएगा। इसकी टक्कर पिछले 4 कॉमेट से ज्यादा शक्तिशाली है। तो तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं बताया? इस कॉमेट से शक्तिमान पर हमला करो। बचो शक्तिमान, बचो बचो, इस कॉमेट से बचो। ये तो अग्नि धूमकेतु है, अगर मैंने इसे जाने दिया तो ये पृथ्वी से जा टकराएगा। करोड़ों लोग इसकी आग में जलकर भस्म हो जाएंगे। मैं भले ही जल जाऊं लेकिन मुझे इसकी आग को अपने अंदर सोखना ही होगा। कांतम प्रवक्षामि कुंडली चेतनादिकं सहस्रनाम सकलं कुंडलिन्या प्रियं सुखं विनायजन योगेन विनाशादेन यत्परं। देखो देखो देखो, शक्तिमान इस तपिश को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है।
सकती है, फूलों में ढल सकती है, शोलों से जल सकती है। होता है जब आदमी को